पहले हर्पीस के बारे में बताता हूँ, और ये बात को फैला देना, बहुत लोगों को कष्ट होता है। हर्पीस में अंदर से खाने के लिए तो गोधन अर्क, कोई भी स्किन, ये स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। वैसे ये आगंतुक रोग है आयुर्वेद के अनुसार भी और मॉडर्न मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग भी। अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आपके शरीर में डेवलप होते रहते हैं, कुछ बाहर से आ जाते हैं, इसलिए डिटॉक्स जरूरी है। तो जिनको भी हर्पीस हो जाए तुरंत गोधन अर्क, नीम के पत्ते अथवा नीम घनवटी, सोरो ग्रिट, डर्मा ग्रिट, कायकल्प क्वाथ पीना शुरू कर दे। नमक मीठा बंद कर दें, उबला हुआ खाएं या फल खाएं। जैसे ही किसी को पैरालिसिस हो जाए, जैसे ही किसी को हार्ट अटैक हो जाए, क्या करोगे? हॉस्पिटल में तो रहते नहीं हो कि जाकर के घुस जाओगे एंजियोग्राफी के लिए, एंजियोप्लास्टी के लिए, बाईपास के लिए? घर को कोई हॉस्पिटल थोड़ी बना के रखता है, क्या करोगे? तो ये घरों में बोध होना चाहिए। मैं इस बोध को बहुत गहरा बैठाना चाहता हूँ देश के लोगों में। अचानक किसी की आई साइट फेल हो जाए, चली जाए, कई बार हो जाता है, फिर वो जिंदगी भर लौटती ही नहीं है। अचानक किसी की आई साइट फेल हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, हार्ट अटैक हो गया, क्या करेंगे? अचानक किसी को पैरालिसिस हो जाए, अनुलोम विलोम करना शुरू कर दो, एक से दो घंटे में यदि हॉस्पिटल में भी जाना है तो जाओ, ठीक है, चेक करवा लो हुआ क्या था। हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते तुम 99% अच्छे हो जाओगे। थोड़ी बहुत कसर मसर रहेगी तो कर लेना थोड़ा बहुत इलाज ये। लेकिन आदमी को संकट के समय कई बार बातें याद नहीं होती। मैंने यहाँ सैकड़ों लोगों के प्रत्यक्ष अनुभव आपको सुनाए हैं, लाइव एग्जाम्पल्स दिए हैं।